तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर कोई टाइम जाया करे। वो बीच में तो फिर वो मिला लियो वहां। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहा हुसैन। और मेरा नाम है मोहसिन खान। तो गाइस आज हम एक तमिल मूवी पर रिएक्शन देने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना, जिसकी लिरिक्स का हमें पता नहीं है कुछ। मजा के है? अगर आगे पीछे हो जाए तो भाई आप लोग एडजस्ट कर लेना। भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। साउथ इंडियन मूवी है और ये 2-3 दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो 12 जनवरी को मूवी रिलीज होने वाली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। साउथ इंडियन मूवी है, मूवी का नाम है थुनिवा। थुनिवा थुनिवा जो भी है एडजस्ट कर लिएगा, या तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में बता दें। डिफिकल्ट नेम होते हैं तमिल के, समझ में नहीं आता है। हम तो खुद इंतजार करते हैं हिंदी डब में आया तो हम देखें। मैं नहीं मानता। तो इसमें मेरे जो मोस्ट फेवरेट तमिल मूवी के जो हीरो है ना, एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। अजीत कुमार, वो ये उनकी मूवी है ये, और इसमें मुझे देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हम ट्रेलर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए प्लीज, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं वीडियो में, अगर कोई टाइम जाया करते हैं चलते हैं ट्रेलर की तरफ। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो इसकी स्माइल है ना भाई, कातिल है। इसकी एक मूवी थी विविगम या वेकनाम, वेकनाम मूवी थी उसमें विवेक ओबराय भी था। विवेक ओबराय नहीं, इससे पहले वाली वेकनाम थी इसकी शायद। उसमें इसकी बहन से ये बचता है और इसकी बहन के सामने नाटक कर रहा होता है ये, लेकिन जब भी बहन इधर उधर देखती है तो ये जो स्माइल पास करता है ना, कातिलों वाली हंसी है इसकी, बेहतरीन। चलो देखते हैं। அந்த வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன். பர்சனாலிட்டி ஏ வாய்ப்பு லுக்கிங் பி போஸ் அதோ யானி பேட்டரி மாதிரி லக் ரஹி ஹை பந்தே கி பாய். உங்களுக்கு என்னதான் சார் வேணும்? பேங்க்ல வந்து பியர் உம்ரண்டிமா கேட்பாங்க. ஓ பேங்க் பேங்க் ரூட்ரை ராஸ்கல், அவனால ஷேர் வேல்யூ 4 ரூபாய் குறஞ்சிருச்சு. எல்லா கிரிமினல்ஸ் பத்தியும் இப்படிதான் பில்ட் அப்பா சொல்லுவாங்க, ஆனா அவனை நம்ம கிட்ட மாட்டி அடி வாங்கி கையெடுத்து கும்பிடும் போது மரியாதைய வெளியில வந்துரு. என்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கிய பையன் மேல கைய வைக்கலாமா? பணம் தம்பி, பணம். Power officer, power. Orders sir, orders. Surrender or die. What the save? ये मस्ती में दिखाया है, तो एक्शन एक्शन मस्ती। थुनिवु थुनिवु, क्या एक्शन कुछ कह नहीं सकते, मुझे तो नहीं आती तमिल, ना मुझे कुछ समझ आती है। लेकिन ये है कि अपना हिंदी जब डब होती है तो तभी हम देखते हैं, और उसको देखने में जो मजा आता है ना वो बहुत चंगा ना। मैं लेकिन ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि एक्शन से भरी पड़ी हुई है और कॉमेडी भी लाजमी है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। और ना लॉबरी टाइप, मतलब इसमें कुछ कहानी होगी जो, और ये तमिल मूवी हो एक्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इनके जो
कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके जो अपने अलग ही स्टाइल होते हैं और अलग ही लुक्स होते हैं ना, जैसे पुष्पा रिसेंटली रिलीज हुई थी उसका ये वाला लुक था, कभी नहीं झुकेगा ऐसा ही होता है इन लोगों की हर मूवी में, तो बहुत मजा करते हैं हम लोग, इंजॉय करते हैं मूवी देख के। तो मूवी का बहुत शिद्दत से इंतजार है, हिंदी डब में अगर ये रिलीज होती है तो फिर हम हाँ, लेकिन बहुत हिंदी डब में बाद में रिलीज होगी, लेकिन ये 12 जनवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है। तो आई होप आप लोग को भी इस मूवी का इंतजार है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। रिलीज हो तो हिंदी डब में आप सब भी लाजमी देखिए, लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये मूवी जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं करते हैं, करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करें भाई, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, घंटे को लाजमी प्रेस करना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो चलिए फिर हम लोग को दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।